डी ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन एफ, तो डी से एफ के बीच में अगर ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू, ये तीन साइन आ रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू, ये तीन साइन आ रहे हैं, तो हमारा डी इज ग्रेटर देन एफ, ये कंक्लूजन हमारा सही हो जाएगा। चेक कर रहा हूं, डी इज ग्रेटर देन एफ है ना, तो डी और एफ के बीच में या तो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, मान लो ई है और ग्रेटर देन इक्वल टू के बाद ग्रेटर देन दिया है, तो ये वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत। ग्रेटर देन इक्वल टू चेक करने के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू के अलावा कोई दूसरा साइन नहीं होना चाहिए, तीसरा साइन नहीं होना चाहिए, तो ये क्या आ गया हमारा ग्रेटर देन, तो ये वाला कंक्लूजन क्या हो गया, गलत। फ्रेंड्स, मेरा नाम है उमेश टिकार और आज हम एमपी पुलिस 2022 में आ रहे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इनइक्वालिटी मतलब असमानता को पढ़ेंगे। इस टॉपिक को एमपीपीएवे ने अपने इतिहास में पहली बार पूछा है, तो बहुत से तो ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको ये पता ही नहीं होगा कि असमानता इनइक्वालिटी क्वेश्चन होते कैसे। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन कैसे होते हैं। इसमें इस तरीके से क्वेश्चन दिए रहते हैं, एक कथन दिया रहता है, स्टेटमेंट दी हुई रहती है, जैसे ये हमारा कथन दिया हुआ है ये, और इस तरीके से दो या तीन ऐसे निष्कर्ष दिए रहते हैं और इनइक्वालिटी के साइन बने होते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको बोलते हैं हम ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं हम ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको बोलते हैं इक्वल टू, इसको लेस देन, पांच प्रकार के साइन होते हैं बेसिकली इसमें, और ये पांचों प्रकार के साइन को यूज करके इनइक्वालिटी कंक्लूजन हमें बताना पड़ता है कि कौन सा कथन अनुसरण करता है, कौन सा कथन अनुसरण नहीं करता है, कि दोनों अनुसरण करते हैं दोनों नहीं करते हैं, या तो कथन एक का अनुसरण करता है या कथन दो अनुसरण करता है या कोई भी कथन अनुसरण नहीं करता। इस तरीके से पांच ऑप्शन बनते हैं, लेकिन एमपी पुलिस के एग्जाम में चार ही ऑप्शन होते हैं, तो इसमें ऑप्शन आ रहे हैं हमारे या तो कथन एक अनुसरण करता है या कथन दो अनुसरण करता है या दोनों अनुसरण करते हैं या दोनों अनुसरण नहीं करते हैं, आइदर और का केस नहीं बन रहा है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि इसका बेसिक फंडा क्या है। इसका बेसिक फंडा ये है कि हमें इसमें चेक करना होता है, जैसे मान लो इस तरीके से कोई कथन दिया स्टेटमेंट दी हुई है ना, तो इस स्टेटमेंट में हमें करना क्या होता है, हमें जैसे एफ से लेके डी तक का देखना है कि एफ से डी का क्या रिलेशन बन रहा है, तो हम क्या करते हैं कि डी से लेके एफ तक जाते हैं और उसमें चेक करते हैं कि कौन सी इक्वालिटी ट्रू लेगी या नहीं लेगी, है ना। तो इसके लिए हमारा बेसिक फंडा ये है कि हम चेक क्या करते हैं, हम चेक करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू, ये तीन हम चेक करते हैं और इन तीनों को चेक करते हैं, बाकी हम लेस देन इक्वल टू को चेक नहीं करते। जैसे मान लो इसको क्या लिखा, जैसे ये एफ लेस देन डी, तो इससे अच्छा मैं इसको पढ़ूंगा डी ग्रेटर देन एफ, तो मुझे रिलेशन हमेशा किस तरफ से पढ़ना है, जिस तरफ से मुंह खुला हुआ हो, है ना। जैसे ये ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन इक्वल टू इधर से मुंह खुला हुआ है, इक्वल टू तो इक्वल टू ही है ना। तो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें, ग्रेटर देन की बात करें तो ग्रेटर देन के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू, ये तीनों साइन हमारे चल जाते हैं, मतलब जैसे हम चेक कर रहे हैं एफ डी ग्रेटर देन एफ, तो डी से एफ के बीच में अगर ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू, ये तीन साइन आ रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू, ये तीन साइन आ रहे हैं, तो हमारा डी इज ग्रेटर देन एफ, ये कंक्लूजन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब यदि हम इस ऐसे ही ग्रेटर देन इक्वल टू की बात करें, तो ग्रेटर देन इक्वल टू में हमारा केवल ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू ये दोनों होना चाहिए, इसके अलावा कोई तीसरा हमारा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो मैं चेक कर रहा हूँ डी इज ग्रेटर देन एफ है ना, तो डी और एफ के बीच में या तो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, मान लो ई है और ग्रेटर देन इक्वल टू के बाद ग्रेटर देन दिया है, तो ये वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू के अलावा ग्रेटर देन इक्वल टू चेक करने के लिए कोई दूसरा साइन नहीं होना चाहिए, तीसरा साइन नहीं होना चाहिए, तो ये क्या आ गया हमारा ग्रेटर देन, तो ये वाला कंक्लूजन क्या हो गया, गलत। यदि ऐसे ही ये दिया होता कि D ग्रेटर देन इक्वल टू E और ये हो जाता इक्वल टू F, तब हम बोलते कि D ग्रेटर देन F, कंक्लूजन क्या है हमारा, सही है। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, थर्ड और फाइनल, इक्वल टू। तो इक्वल टू का ये है कि इक्वल टू में केवल इक्वल टू होना चाहिए, है ना, जैसे बोलते हैं ना भाई दोस्ती बराबरी वालों में करना चाहिए, तो बराबरी वालों का फंडा ये है कि सिर्फ और सिर्फ बराबर होना चाहिए, है ना। तो अगर बराबर है तो सिर्फ और सिर्फ बराबर, ग्रेटर देन इक्वल टू है, बड़ा बराबर है तो बड़ा बराबर या बराबर, और ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू, तीनों चल जाएंगे, ठीक है। तो आइए हम वन 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 बाई वन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके को समझते हैं।
तो ये पहला ही क्वेश्चन है हमारा कि डी से एफ का रिलेशन चेक करना है हमें, डी ग्रेटर देन एफ। तो ग्रेटर देन एफ चेक करने के लिए मैंने बताया था क्या क्या चाहिए, ग्रेटर देन होगा तो चलेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो चलेगा, और इक्वल टू होगा तो भी चलेगा। तो मैं डी से लेके एफ तक जाता हूं, तो देखो डी से लेके एफ तक मैं आया तो ग्रेटर देन मुझे चलेगा क्योंकि मैं ग्रेटर देन चेक कर रहा हूं, ग्रेटर देन इक्वल टू भी चलेगा और इक्वल टू भी चलेगा। तो डी ग्रेटर देन एफ, ये वाला कंक्लूजन क्या हो गया मेरा, सही हो गया। अब हम सेकंड चेक करते हैं, तो क्या है वो, ए ग्रेटर देन एस, तो मैं ए से आऊंगा एस तक, है ना। तो ए से लेके एस के बीच में तो ये उल्टा साइन मुझे मिल गया, तो ये वाला साइन क्या हो गया, वैसे ही गलत हो गया। जब भी मुझे रिवर्स डायरेक्शन मतलब लेस देन इक्वल टू मिल गया तो वो कंक्लूजन वैसे ही गलत हो जाएगा। तो जैसे मैं ए से लेके एस तक आ रहा हूँ, लेस देन मिल गया तो गलत, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी इज ग्रेटर देन ए, तो सी और ए के बीच में कौन कौन से चल जाएंगे, हमें ग्रेटर देन चल जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू चल जाएगा और इक्वल टू चल जाएगा। तो सी से ए, ये हुआ मेरा सी से ए, ठीक है। तो C से A में जाने के लिए मुझे क्या मिल गया, ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब पहला कंक्लूजन हमारा सही हो गया। दूसरा कंक्लूजन A इज ग्रेटर देन इक्वल टू C, तो ग्रेटर देन इक्वल टू चेक करने के लिए मुझे क्या, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू, ये दो ही साइन होने चाहिए। तो मैं A से C आ रहा हूं तो मेरे को क्या मिल गया, A से C आने पर यह लेस देन मिल गया, तो ये वाला क्या हो गया, गलत। तो सेकेंड निष्कर्ष क्या हो गया, गलत। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या बनेगा, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। अगला इसमें क्या दिया हुआ है, P ग्रेटर देन Q, तो ग्रेटर देन के लिए हम क्या चेक करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू। तो P से Q आते समय हमने देखा कि M यहां पर क्या मिल गया मुझे, एक लेस देन मिल गया, तो ये वाला कंक्लूजन क्या हो गया, गलत। दूसरा है Q ग्रेटर देन M, तो मुझे कहां जाना है, Q से M, तो Q से मैं जैसे ही N पर आया तो मुझे क्या मिल गया, रिवर्स मिल गया, तो ये भी गलत। तो क्या हो जाएगा, निष्कर्ष एक और दो दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें क्या है, m ग्रेटर देन इक्वल टू q, तो ग्रेटर देन इक्वल टू चेक करने के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू होना चाहिए। तो m से q के लिए, तो मैं जैसे ही m से q के लिए आया तो मुझे n पे लेस देन इक्वल टू मिल गया, तो ये वाला भी क्या हो गया, गलत। दूसरा हम चेक करेंगे m इज ग्रेटर देन q, तो m से मैं n पर ही नहीं आ पा रहा, तो यहां पर फिर रिवर्स मिल गया, तो ये भी क्या हो गया, गलत। तो यहां पर भी दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। चलिए y इज ग्रेटर देन v, तो ग्रेटर देन के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन ये तीनों चल जाते हैं। तो मैं y से बढ़ूंगा v की तरफ, तो y से x में आ गया, x से v में आ गया और w आ गया, और w से मैं v में आ गया, तो ये वाला कथन अनुसरण करता है। नेक्स्ट हमारा ग्रेटर देन के लिए फिर वही ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन तीनों चलेंगे। तो y से मुझे कहाँ आना है, w पे, तो सॉरी W से मुझे U में जाना है, है ना। तो W से मैं V में आ गया और V से U में आ गया, तो यह भी अनुसरण करता है। तो कथन एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं, है ना। तो हमें ध्यान केवल और केवल इतना देना है कि ग्रेटर देन चेक करते समय हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू, ये तीनों साइन चल जाते हैं। ग्रेटर देन चेक करते समय सिर्फ और सिर्फ दो अल्फाबेट्स के बीच, दो नंबर्स के बीच, या दो सिंबल्स के बीच ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू ही होना चाहिए। और जब हम इक्वल टू चेक करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इक्वल टू ही होना चाहिए, ठीक है। अगला है, अब देखिए क्या करता है, निष्कर्ष को हमारे क्वेश्चन में दे देता है और कथन को हमारे ऑप्शन में रखता है और बोलता है कि कौन से कथन से यह निष्कर्ष निकलेगा, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, इसको मैं कैसे पढ़ूंगा, जे इज ग्रेटर देन एच, है ना, जे इज ग्रेटर देन एच, क्योंकि मुंह किस तरफ खुला है, जे की तरफ, है ना। तो मैं इसको कैसे पढ़ूंगा, जे इज ग्रेटर देन एच, तो अब मैं चेक करूंगा जे से एच के बीच में, है ना। तो जे और एच के बीच में ग्रेटर देन चेक करना है, तो मैं क्या क्या चेक क्या क्या मुझे चलेगा, ग्रेटर देन चलेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू चलेगा और इक्वल टू चलेगा। तो मैंने चेक करना शुरू किया, जैसे मैं आया, जैसे इसमें जैसे एच की तरफ बढ़ना है, तो ये पे मुझे क्या मिला, इक्वल टू, लेकिन यहाँ पे क्या मिल गया, लेस देन, तो ये वाला साइन क्या हो गया, गलत। ऐसे ही जब मैं जे से इधर के लिए आ रहा हूँ तो यहाँ पे भी क्या मुझे मिला, जे वाला साइन, रिवर्स साइन मिल गया, तो ये भी हो गया गलत। अब यहाँ पर जे से मैं देखो आई पे आ गया, आई से जी में आ गया और जी से एच में भी आ गया, क्योंकि ग्रेटर के लिए इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर तीनों मुझे चल जाते हैं, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। इसको एक बार चेक कर लेते हैं, देखिए जैसे मैं
आई में आया, लेकिन आई से मैं जी पे नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मुझे क्या मिल गया है यहाँ पे, रिवर्स साइन मिल गया है, लेस देन का साइन मिल गया, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है हमारा, ऑप्शन सी। हाँ, अब क्या करता है देखिए, कभी एक इसमें नेक्स्ट टाइप ऐसे क्वेश्चन बनता है कि हमें एक्सप्रेशन दे देता है क्वेश्चन में और उसमें से बोलता है कि कौन सा, केवल कौन सा सही होगा, तो हमारे चार ऑप्शन देते हैं तो केवल उसमें देख लो कि कौन सा फिट बैठ रहा है। तो सबसे पहले मैं किसको चेक कर रहा हूँ, क्यू से ले के से क्यू, है ना, तो के से क्यू मतलब के से मैं टी पे आया तो वैसे मुझे रिवर्स मिल गया, तो ये वाला क्या हो गया, गलत। एम ग्रेटर देन टी, तो ग्रेटर देन के लिए क्या चलता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, केवल, है ना, तो एम से टी ग्रेटर देन, लेकिन मैं के, एम से के ग्रेटर देन आ गया लेकिन के से टी नहीं आ पाऊंगा क्योंकि क्या लगा है, लेस देन, तो ये वाला भी हो गया गलत। क्यू ग्रेटर देन, इसको मैं कैसे पढ़ूंगा, क्यू ग्रेटर देन के, तो ग्रेटर देन के लिए क्या क्या चलेगा, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू, तो क्यू से मैं को कहाँ जाना है, के तक, तो क्यू से मैं टी में आया, क्यू से टी से के में आ गया, है ना, तो बस हो गया सही, ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। अब टी इक्वल टू एम, तो इक्वल टू टी और एम के बीच में इक्वल टू है क्या, केवल इक्वल टू नहीं है, यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन दोनों है, तो ये वाला भी क्या हो गया, गलत। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है हमारा, ऑप्शन सी। चलिए हमारा नेक्स्ट आ गया है, नेक्स्ट में क्या है, ओ इक्वल टू यू, तो और यू के बीच में क्या होना चाहिए, केवल इक्वल टू साइन होना चाहिए, तो ओ से लेके यू के बीच में सारे इक्वल टू नहीं है, मतलब ये वाला क्या हो गया, गलत। देखिए हमें क्या चेक करना है, यू ग्रेटर देन ओ, तो यू से मैं के में आ गया क्योंकि इक्वल टू मिला, के से मैं जी में आ गया क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू मिला, और जी से मैं ओ में भी आ गया क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू मिला, लेकिन क्या मैं जिस साइन को चेक कर रहा हूं, क्या वो साइन एक बार भी मेरा यू से ओ के बीच में आया है, नहीं आया है, मतलब ये वाला निष्कर्ष भी क्या होता है, नहीं निकलता है। लेकिन यदि मैं इस निष्कर्ष को अगर मैं ऐसे देखूं, अभी ये हमारे एग्जाम में नहीं आ रहा लेकिन ये आ सकता है आने वाले शिफ्ट में, तो आप इसको देख लीजिए, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, यू इक्वल टू ओ और यू ग्रेटर देन ओ, अगर मैं इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन कर दूं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता ना, यू ग्रेटर देन ओ, यू ग्रेटर देन इक्वल टू ओ, तो यू ग्रेटर देन इक्वल टू ओ को जब मैं चेक करूंगा तो क्या बनेगा, यू से ओ, यू से के आ गया, के से में जी आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू है, और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, जी से ओ में भी है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू चेक करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू या इक्वल टू, तो जी से ओ के बीच में ग्रेटर देन इक्वल टू है और इक्वल टू है, मतलब ये वाला निष्कर्ष क्या है हमारा, सही है। तो यहां पर हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि जब कंबाइंड करके ऐसे बनते हैं निष्कर्ष, तो हम बोल सकते हैं कि या तो कथन ओ एक निष्कर्ष करता है या कथन दो निष्कर्ष करता है, आइदर वन और टू कंक्लूजन फॉलोज, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन बनते हैं। चलिए अगला देखते हैं, जैसे आप देखिए एक दो तीन चार, चार टाइप के स्टेटमेंट है, इन स्टेटमेंट को हमें ज्वाइन करके पहले कंबाइंड स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, है ना, और बी लेस देन एम, एम ग्रेटर देन डी, और डी इक्वल टू क्या है, F, मैंने सबको जमा लिया पहले, अब मैं चेक करना है मुझे B ग्रेटर देन D, तो ग्रेटर देन के लिए क्या क्या चलेगा, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू, ठीक है, तो मेरे को कहाँ से जाना है, B से D तक, तो B से M में ही नहीं आ पा रहा हूँ मैं, तो पहला कथन क्या हो गया, गलत। दूसरा A ग्रेटर देन B, तो मुझे कहाँ जाना है, A से B तक, तो देखो A से B तक मैं आ तो रहा हूँ लेकिन मुझे क्या मिल रहा है, केवल ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या ग्रेटर देन एक बार भी आया, नहीं आया, तो ये वाला कंक्लूजन भी क्या हो जाएगा, गलत। फिर F, M ग्रेटर देन F, M ग्रेटर देन F, तो M से मैं D में आया और D से मैं कहाँ आ गया, F पे, क्योंकि ग्रेटर देन में ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों चल जाते हैं, तो ये वाला कथन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बनेगा, ओनली थ्री फॉलोस, केवल तीन अनुसरण करता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जो भी साइन को हम चेक कर रहे हैं दो अल्फाबेट्स के बीच, उन दो अल्फाबेट्स के बीच वो साइन हमारा कम से कम एक बार आया हुआ होना चाहिए। जैसे हम ए से बी में जा रहे हैं और ए से बी में जाने के लिए हमें इंटरमीडिएट में एफ मिला, एम मिला, है ना, और मान लो के मिल गया, ठीक, और फिर यहाँ पर
इस तरीके से है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें ग्रेटर देन चेक कर रहा हूँ, तो ग्रेटर देन चेक करते समय मैं ए से एफ में आ गया, क्योंकि ग्रेटर देन में ग्रेटर देन चलता है, ग्रेटर देन इक्वल टू चलता है, फिर यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल टू चलता है, इक्वल टू भी चलता है, फिर इक्वल टू से ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये साइन सारे चल तो रहे हैं, मैं ए से लेके बी तक आ तो रहा हूँ, लेकिन क्या मुझे कभी बीच रास्ते में कहीं पर भी ग्रेटर देन का साइन मिला? नहीं मिला, तो वो कथन क्या है, फॉलो नहीं करेगा। तो जो हमारा अभी हम ये वाला जो ऑप्शन चेक कर रहे थे वो इसी कारण से गलत हुआ था। तो ये था हमारा इनइक्वालिटी का टॉपिक, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये 10 मिनट की वीडियो अगर आप अच्छे से ध्यान से देख लेंगे तो आपके 3 से 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। यदि आपने अंत तक वीडियो देखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।